26 मार्च 1874 में जन्मे रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के महान कवि थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की महानता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 4 बार मिला था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट भारत में भी लोकप्रिय थे। उनकी एक कविता जिसको कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। यहाँ तक कि जब नेहरू जी का निधन हुआ तो उनकी टेबल पर उनकी हैंडराइटिंग में, उनके हस्तलेखन में इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां पाई गई थी। इसलिए यह कविता भारतीय पाठकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कविता बन जाती है। यद्यपि यह रॉबर्ट फ्रॉस्ट की भी पसंदीदा कविता थी। यह एक सिंबॉलिक फिलोसफिकल पोम है, यानी इसमें बहुत से प्रतीक हैं, बहुत से सिंबल्स हैं और इसका जो अर्थ है वह बहुत ही गहराई तक जाता है, यानी जितना दिखाई पड़ता है उससे ज़्यादा गहरा इसका अर्थ है। तो इस कविता को जनरल देखते हैं और उसके बाद इसका गंभीरता से अध्ययन करते हैं। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Woods का मतलब जंगल होता है, forest. I think I know. The poet imagines that he knows the man who is owner of the woods. यानी कवि ये कल्पना करता है कि वो उस आदमी को जानता है जो इन वुड्स के, इन जंगलों के ओनर हैं। क्वीर स्ट्रेंज, विचित्र, क्वीर स्ट्रेंज। फार्म हाउस, अ हाउस बिल्ट ऑन अ फार्म। हार्नेस, लेदर स्ट्रैपिंग दैट कीप्स द सीट वेल फिक्स्ड ऑन द हॉर्स बैक। यानी जो घोड़े पर एक जीन होती है या घोड़े पर एक कोठी होती है जिस पर आदमी बैठता है, दैट इज हार्नेस। स्वीप, फ्लो, बहना, सरकना, चक्कर लगाना, परिणाम होना। स्वीप, स्वीप वही जिससे कि। डाउनी फ्लेक, सॉफ्ट स्नो पीसेस। डीप, डेंस, घना। टू कीप, टू मेंटेन, बनाए रखना। स्लीप, इटर्नल रेस्ट और डेथ, अनंत आराम अथवा मृत्यु। स्लीप, इटर्नल रेस्ट और डेथ, अनंत आराम अथवा मृत्यु। तो ये कविता एक दार्शनिक फिलोसफिकल पोम है और ये कंपटीशन में भी आती है और पाठ्यक्रम में है, जैसे बीए में, एमए में ये कविता आती है। तो इस कविता के बारे में थोड़ा फुटकर देखते हैं, फिर इसे
और डीप मिस की स्टडी करते हैं। Whose words these are, I think I know, यानी पोएट जो है वो अपने घोड़े पर बैठ के जा रहा है, या कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, घोड़े पर बैठ के जा रहा है, तो these are the opening lines of the poem, यानी कविता की ये क्या है, शुरुआती पंक्तियाँ हैं। तो वो कहता है कि ये वुड्स, ये जंगल किसके हैं, मैं जानता हूँ। His house is in the village, दो परंतु उसका घर क्या है, गांव में है, और ये शाम हो चुकी है, रात आ रही है, तो उसे पता नहीं चलेगा यदि मैं उसके वुड्स में जाऊं। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, यानी मैं यहां पर रुकता हूं, उसे पता नहीं चलेगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, उसके जो जंगल हैं जो कि बर्फ से ढके हुए हैं, यदि उनको मैं देखता हूं तो उसे पता नहीं चलेगा। अब यहां पर एक चीज ये होती है कि जो कोई चीज़ सीड्यूस करती है हमें, हमें बहुत ज़्यादा प्रलोभित करती है, तो वो हमारे अंदर स्टेल्थ, चोरी की भावना भी पैदा करती है, और हम सोचते हैं कि ऐसा करते हैं उसे तो पता नहीं चलेगा। तो चोरी की जो एक थ्योरी होती है उसमें यही होता है कि जब तक इंसान पकड़ा ना जाए तब तक वो चोर नहीं होता है, और ये सिद्धांत जो कि व्यवहारिक है आदर्श रूप में गलत है। द ओनर ऑफ द लैंड विल थिंक दैट स्टॉपिंग द जर्नी बाई द पोएट वुड बी अननेचुरल। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक टू आस्क यू इफ देयर इज सम मिस्टेक। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। ए लाइन, ये पंक्तियां मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि इसमें जो घोड़ा होता है वो सचेत करने की कोशिश करता है व्यक्ति को, यानी जानवरों के अंदर भी इतनी समझ होती है। तो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, यानी घोड़ा जो है अपने जो हार्नेस में जो उसकी घंटियां लगी हुई हैं उनको बजाता है कि आप किस दुविधा में पड़े हुए हो, आपको अपनी मंजिल पर पहुँचना है, आपको रास्ते में प्रलोभित नहीं होना है। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. यहाँ पर repetition है and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep, ये क्या है, repetition है। These are the concluding lines of the poem, ये poem की क्या है, अंतिम पंक्तियाँ हैं, तो ये concluding lines of the poem है। These are the concluding lines of the poem. जो poet है, he is reminded of the purpose for which he has come on earth. अब देखिए इसका मतलब है कि जो woods हैं, जंगल हैं, lovely, dark and deep, प्यारे हैं, dark हैं, deep हैं, but I have promises to keep. लेकिन poet को या उस व्यक्ति को जो घोड़े पर सवार होकर जा रहा है उसे याद आता है कि उसने कुछ प्रोमिसेज किए हैं, कुछ वायदे किए हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले उसको अभी मीलों चलना है, मंजिल पर पहुंचने के लिए उसे अभी यात्रा करनी है, रास्ते में उसे प्रलोभित नहीं होना है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो उसी पंक्ति को दोहराया गया है। इसका गहरा अर्थ यह है कि व्यक्ति जो कि इस प्लेनेट अर्थ पर आता है, इस जमीन पर आता है, जन्म लेता है, तो उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, उसकी कुछ ड्यूटीज होती हैं, और स्लीप यानी चिर निद्रा यानी मृत्यु के पहले उसे एक लंबी यात्रा करनी होती है, उसे अपने कर्तव्यों को निभाना होता है। तो रास्ते में बहुत सारे प्रलोभन होते हैं, बहुत सारे लालच होते हैं, बहुत सारे सिडक्शन होते हैं, तो उसे इन लालचों में नहीं पड़ना चाहिए, उसे कर्मरत होना चाहिए। तो जो एक इंडियन फिलोसफी की, भारतीय दर्शन की, द थ्योरी ऑफ कर्मा, कर्म की जो सिद्धांत है, वो भी कहीं ना कहीं इस कविता में आता है, और यही कारण था कि ये जो अंतिम चार पंक्तियां हैं ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही ज़्यादा पसंद थीं।
चलते हैं इस कविता के कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु, प्रमुख बिंदु देखते हैं। Stopping by Woods on a snowy evening, Robert Frost, 1874-1963. The poem is about a man who is on his way home. कविता एक आदमी के बारे में है जो अपने घर के लिए रास्ते पर जा रहा है. The poem is about a man who is on his way home. It is a winter evening. जाड़ों की सांझ है. It is snowing and bitterly cold. बर्फ गिर रही है, बहुत ठंडक है. इट इज स्नोइंग एंड बिटरली कोल्ड. द मैन इज पासिंग बाई सर्टेन वुड्स एंड इज ल्यूर्ड, आकर्षित, एंड इज ल्यूर्ड बाई द लवली साइट ऑफ द स्नो एंड द ब्यूटिफुल वुड्स. जो व्यक्ति है ये किसी जंगल से गुजर रहा है और जंगल की जो प्रिय दृश्य हैं, प्यारे दृश्य हैं, लवली साइट्स हैं, वे उसे आकर्षित करते हैं. It attracts the man very much. जंगल आदमी को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है. He attempts to stay there. वो ललचाता है वहाँ रुकने के लिए. He attempts to stay there. But at the same time he remembers that he must have to reach his destination, मंजिल. At last he prefers life to death in order to कीप हिज प्रोमिसज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो ये दो पॉइंट हैं कि वो याद करता है कि उसे अपने मंजिल पर, डेस्टिनेशन पर अवश्य पहुँचना है, और अंत में ही प्रेफर्स लाइफ टू डेथ, वो जिंदगी को वरीयता देता है मृत्यु पर, और वो वरीयता इसलिए देता है इन ऑर्डर टू कीप हिज प्रोमिसज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. The hidden meaning is that one cannot stop while the journey of life is going on. यानी इसका छुपा हुआ अर्थ है कि किसी व्यक्ति को जब तक जिंदगी की यात्रा जारी है उसे रुकना नहीं चाहिए. The hidden meaning is that one cannot stop while the journey of life is going on. One will stay only when the destination of death arrives. One will stay only when the destination of death arrives. यानी किसी को तभी रुकना चाहिए जब मंजिल या मृत्यु आ जाए. पंडित नेहरू, our first prime minister, liked this poem most. This lyric poem contains a sweet rhythm. यानी इस poem में बहुत ही मीठी सी रिदम है. द पोम इज सिंबोलिक, जो कविता है वो सिंबोलिक है. द पोम इज सिंबोलिक. द पोम वॉज रिटन इन 1922. जो कविता है 1922 में लिखी गई थी. द पोम वॉज पब्लिश्ड इन 1923 इन हिज न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम. कविता 1923 में उनकी किताब है न्यू हैम्पशायर, उसमें प्रकाशित हुई थी. द पोम इज रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है. कविता इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है. द पोम इज रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर इन द रुबाइयत स्टैंजा क्रिएटेड बाय एडवर्ड फिट्ज़जेराल्ड. तो इयाम्बिक पेंटामीटर रुबाइयत स्टैंजा में लिखी गई है पोयम. ईच वर्स सेव द लास्ट फॉलोज ए ए बी ए राइमिंग स्कीम. यानी प्रत्येक जो इसका जो चार लाइनें हैं वे ए ए बी ए की राइमिंग स्कीम को फॉलो करती हैं अंतिम पंक्ति को छोड़कर. ओवरऑल द राइम स्कीम इज ए ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी 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 डी. चेन राइम कंपेयर द टर्जा राइमा
यूज इन डांटेज इन्फर्नो। तो ए टर्जा रामा जैसे इसकी राइम स्कीम है, यानी जो पहली चार लाइनें हैं उसका जो थर्ड है वो अगली चार लाइनों का प्रथम होता है, दूसरी चार लाइनों का जो थर्ड है वो अगली चार लाइनों का प्रथम होता है। हाँ, अंतिम जो स्टेंजा है वो डी 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 को फॉलो करता है। थैंक यू।